अवामुन नास में ये बात मशहूर है कि अगर किसी शख्स को असल गीदड़ सिंगी हासिल हो जाए तो इसमें वो ताकत है कि जो दौलत को अपनी तरफ खींचती है। इस वजह से लोग गीदड़ सिंगी को हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और लोगों का ये मानना है कि कुछ ही अरसे में इस गीदड़ सिंगी की वजह से कंगले के बंगले बन जाते हैं। पूछते हैं शेख से, प्लीज शेख बताइए, गीदड़ सिंगी दौलत खींचती है, इसका कहीं पढ़ा नहीं, उलमा से सुना नहीं है, ये अवामी कॉन्सेप्ट लग रहा है, अवाम में बस मशहूर हो जाता है कोई चीज, किसी एक ने बोल दिया तो वो चल पड़ी, इसमें कोई जान नहीं है सर। गीदड़ सिंगी की वजह से कोई दौलत मिल जाए, और दौलत पाने के लिए लोग नित नए वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें गीदड़ सिंगी भी लगता है कि लोगों ने शामिल कर लिया है। अब इसको इतना ढूंढेंगे गीदड़ सिंगी आसानी से मिलेगा नहीं, और चूंकि दौलत के मतवाले इसको ढूंढेंगे तो जो देगा वो भी मुफ्त में नहीं देगा, पहले तो उसकी अच्छी खासी दौलत खींचेगा वो, तो दौलत बढ़ेगी तो क्या कमी तो हो गई खरीदने की वजह से। इसके बजाय हमने वो जो अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके या जो भी मतलब यानी कि इस तरह के बुजुर्गों के तरीके बताए हुए हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेकर जो जिससे ये मसले हल होते हैं।